महायुति से नहीं मिला टिकट तो शरद पवार के चक्कर लगाने लगे नेता, बीजेपी गठबंधन में खलबली। महाराष्ट्र के सत्ताधारी महायुति गठबंधन के असंतुष्ट नेता अब महाविकास अघाड़ी एमवी खेमे से लोकसभा टिकट की संभावना तलाशने में जुटे हैं। इसके लिए वे शरद पवार से संपर्क साध रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार के महायुति गठबंधन के बीच सीट बंटवारे की डील लगभग तय हो चुकी है। ऐसे में कई नेताओं को लग रहा है कि उन्हें टिकट नहीं मिल पाएगा। इसी डर से अब उन्होंने विपक्षी खेमे के साथ संपर्क साधना शुरू कर दिया है। बुधवार को भीड़ जिले के राकांपा नेता बजरंग सोनावणे पुणे में एक कार्यक्रम में राकांपा शरद चंद्र पवार में शामिल हो गए। सोनावणे पार्टी के विभाजन के दौरान अजीत पवार के साथ चले गए थे। भीड़ से भाजपा द्वारा पंकजा मुंडे को मैदान में उतारने से नाराज सोनावणे ने पाला बदल लिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 48 सीट के लिए लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 20 मई के बीच 5 चरणों में होंगे। मतों की गिनती 4 जून को होगी। पवार ने कहा कि उनकी पार्टी भीड़ उम्मीदवार को अंतिम रूप देने से पहले चर्चा करेगी। उन्होंने कहा कि सीट के लिए मतदान चौथे चरण में है और निर्णय लेने के लिए अभी भी कुछ समय है। पार्टी की समिति उम्मीदवार का फैसला करेगी और सोनावणे ने कहा कि वह इस फैसले को स्वीकार करेंगे। वे पिछला चुनाव मामूली अंतर से हार गए थे। हालांकि वे भीड़ में पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। सोनावणे ने 2019 में भाजपा की प्रीतम मुंडे के खिलाफ राकांपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा कि मैं हार गया लेकिन मुझे 5 लाख से अधिक वोट मिले थे। हाल ही में मेरे कार्यकर्ताओं को लगने लगा था कि उन्हें एनसीपी में विभाजन के बाद समान सम्मान नहीं मिल रहा है और इसलिए मैंने पवार साहब के साथ जुड़ने का फैसला किया। राष्ट्रीय समाज पक्ष के संस्थापक महादेव जानकर भी बुधवार सुबह पुणे में पवार के आवास पर गए। उन्होंने 2019 में बारामती से पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा था। अब वे भाजपा के रणजीत सिंह नायक निम्बालकर के खिलाफ एमवी उम्मीदवार के रूप में माढ़ा सीट से लड़ना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि शरद पवार ने उन्हें सकारात्मक रहने का आश्वासन दिया है। इससे पहले भाजपा द्वारा अहमदनगर से सुजय विखे पाटिल को महायुति उम्मीदवार के रूप में नामित किए जाने के बाद पारनेर विधायक नीलेश लंग के समर्थकों के एक बड़े समूह के साथ पवार से मिलने पुणे आए थे। एनसीपी एससीपी के राज्य प्रमुख जयंत पाटिल ने कहा कि एक तरफ सत्ता और पैसा है लेकिन हमारे साथ लोगों की ताकत है, इसलिए कई नेता अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं।